Assalamualaikum students and welcome back to your class. We are doing chapter number 3 and that is commonly used softwares. The topics we are going to cover today are topic 3.3 working with word. आज हमने अपना new topic start करना है. इससे पहले हमने paint use किया था, उसमें work किया था. paint हमने देखा क्या होता है, उसको हमने सीखा कि उसमें drawing कैसे करते हैं, उसमें हमने ID card बनाए, birthday cards बनाए. अब हमने क्या करना है, अब हम एक new topic या एक new software की तरफ आ रहे हैं जो कि क्या है, MS Word है, जिसमें हम documents बनाते हैं. तो आज हमने वो देखना है. अच्छा जी, वर्ड प्रोसेसिंग मीन्स टू क्रिएट, एडिट एंड प्रिंट टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स यूजिंग सॉफ्टवेयर ऑन अ कंप्यूटर. वर्ड प्रोसेसिंग किसको कहते हैं, इसका मतलब ये होता है कि आप बनाते हैं या एडिट करते हैं, एडिट का मतलब चेंजेस करना, और फिर उसको प्रिंट करते हैं डॉक्यूमेंट्स को एक सॉफ्टवेयर के जरिए कंप्यूटर पे. जैसे कि आप लोग टाइप करके एक चीज़ लिखते हैं, जो मैं आपको नोट्स दे रही हूँ, मैं कैसे दे रही हूँ, वर्ड प्रोसेसर प्रोसेसिंग का जो सॉफ्टवेयर है उस पर मैं क्या कर रही हूँ, उस पर मैं टाइप करके कर रही हूँ, उसमें मैं डॉक्यूमेंट क्रिएट कर रही हूँ, उसको एडिट कर रही हूँ, और फिर मैं प्रिंट करवा के आपको दे रही हूँ. ठीक है, सो ये सारा का सारा वर्ड प्रोसेसिंग में आता है. The software used to produce text documents on a computer is called a word processor. और जो वो software जो कि क्या करता है, text documents को produce करता है computer पे, उसको word processor कहा जाता है. ठीक है, word 2007 is one of the most popular word processing software. इसको थोड़ा सा हम बाद में देखते हैं, क्योंकि word 2007 जब ये book बनी थी तब का मोस्ट पॉपुलर वो था, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर था, और लेटेस्ट भी था. जबकि अभी जो इसका जो लेटेस्ट है वो वर्ड 2007 नहीं है, इसके काफ़ी अपडेटेड वर्जन्स आ चुके हैं. इट इज़ यूज्ड टू प्रोड्यूस रिपोर्ट्स, मैसेजेस, नोट्स, लेटर्स एंड डॉक्यूमेंट्स. और इसको हम इन सब चीज़ों को बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं. हम इसके जरिए रिपोर्ट्स बना सकते हैं, मैसेजेस बना सकते हैं, नोट्स जो मैं आपको बना के दे रही हूँ, लेटर्स है, डॉक्यूमेंट्स है, कुछ भी बना सकते हैं हम इसके ज़रिए. अच्छा जी, देयर आर सम स्पेशल वर्ड्स यू नीड टू नो इन ऑर्डर टू प्रोसेसिंग. और जब आप लोग वर्ड प्रोसेसिंग करें हैं या MS Word यूज़ करें, तो वहाँ पे फिर कुछ ऐसे स्पेशल वर्ड्स हैं जो कि आपको पता होने चाहिए अगर आप यूज़ करें. वर्ड्स आर कॉल्ड टेक्स्ट. हम कहते हैं ना इंग्लिश में वर्ड्स कहते हैं, या हम कहते हैं कि सेंटेंस लिखा है, अल्फ़ाबेट्स लिखे हैं, वर्ड्स लिखे हैं, या लेकिन जब आप लोग वर्ड प्रोसेसिंग करें तो वहाँ पर आप कहते हैं कि आई हैव रिटन टेक्स्ट. आप उसको टेक्स्ट कहोगे, जो भी चीज़ आप लिखोगे दैट इज़ टेक्स्ट. यहाँ पे आपको जो इस प्रोसेसर पे, वर्ड प्रोसेसर पे या इस प्रेजेंटेशन में नजर आ रहा है, दिस इज टेक्स्ट. ठीक है, अच्छा, द होल टेक्स्ट इज कॉल्ड अ डॉक्यूमेंट. और ये जो पूरा का पूरा टेक्स्ट है वो क्या है, एक डॉक्यूमेंट है. यानी कि आपको जो नोट्स मिले हैं उसमें जो चीज़ मैंने लिखी है तो वो क्या है, वो टेक्स्ट है. और जो मैंने आपको प्रिंट करके पूरा का पूरा दिया है, सो दैट इज अ डॉक्यूमेंट. वो मैंने आपको एक डॉक्यूमेंट दिया, ठीक है, इन अ हार्ड कॉपी. अच्छा जी, कुछ डिटेल्स. वर्ड 2007 वॉज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर. ये बहुत पहले पॉपुलर था, अब इसके और वर्जन्स आ चुके हैं. इट्स अपडेटेड वर्जन्स आर 2010, वर्ड 2013, वर्ड 2016 एंड वर्ड 2019, जो कि बिल्कुल लेटेस्ट है. अभी का जो लेटेस्ट वर्जन है वो 2019 है. द लेटेस्ट वर्ड इज वर्ड 2019. वी विल बी यूजिंग वर्ड 2016. इससे पहले जब हम प्रैक्टिकल्स स्कूल में कर रहे थे या क्लास में कर रहे थे, तो वो हम वर्ड 2010 के जरिए मैं आपको करके दिखा रही थी. लेकिन अभी आगे जो हम करेंगे उसमें हम कौन सा वर्ड यूज़ करें हैं, वर्ड 2016 यूज़ करेंगे आगे हम. अच्छा जी, हाउ टू रन वर्ड. अब वर्ड को रन कैसे करना है, क्लिक द स्टार्ट बटन, प्रेस अपॉइंट टू ऑल प्रोग्राम्स टू व्यू अ लिस्ट ऑफ प्रोग्राम्स. अच्छा, ये मैं आपको ज़रा इसके स्टेप वाइज तो बता लेती हूँ, लेकिन ये जो मेथड या प्रोसेस इन्होंने आपको बताया हुआ है, ये विंडोज़ 2007 का है. आई थिंक ये सारा का सारा जो वो है प्रोसेस है. अभी तो विंडोज़ 2010 आ गई, अपडेटेड वर्जन है, तो उसमें इस तरह होता ही नहीं है. सिंपली नीचे जो सर्च वाला सर्च बार होता है, वहाँ पे आप अपना जो भी आपको प्रोग्राम चाहिए वो लिख लो और वो आ जाता है. जैसे हम पेंट को खोलते हैं ना, उसी तरह से हम वर्ड को भी ओपन कर सकते हैं. लेकिन इसको देख लेते हैं कि क्या क्या है. ऑल प्रोग्राम्स पे जाते हैं, जो कि हमें एक लिस्ट ऑफ प्रोग्राम दिखाता है. फिर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पे क्लिक करते हैं. फिर हमारे पास ऑफिस माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 या फिर कोई भी वर्जन आपके पास अगर है तो उसको आप क्लिक करोगे. ऑफिस वर्ड 2007 और एनी वर्जन अपीयर्स डिस्प्लेइंग अ ब्लैंक डॉक्यूमेंट. और ऑफिस जो है वो खुल जाता है और एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट शो करता है, डिस्प्ले करता है. ठीक है, ये देखें हमारे पास ये वर्ड 2007 का इंटरफेस है.
यहाँ पे ये देखें ऑफिस बटन होता है, यहाँ पे जो ये फ्लॉपी का बटन आपको नज़र आ रहा है, दिस इज़ सेव बटन, ये सेव के लिए एक शॉर्ट बटन है, ये अनडू है, दिस इज़ रीडू, इसको क्विक एक्सेस टूल बार कहते हैं, यानी कि काफ़ी जब हम एक का काम कर रहे होते हैं तो उसमें कोई गलती हो जाती है, हम उसको जल्दी से अनडू करते हैं, तो ये हमें ये जो कुछ बटन है तीन, ये यहाँ पे क्विक एक्सेस के लिए, यानी कि जल्दी से हमें ये बटन मिल जाए, हम जल्दी अपना काम करें, इसलिए यहाँ पे इनको रखा हुआ है। ठीक है, ये जो होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, रेफरेंसेस, मेलिंग, रिव्यू, व्यू, ये सारे के सारे रिबन टैब्स हैं। क्या है ये? इनको रिबन टैब्स कहा जाता है। ऊपर जो ये नज़र आ रहा है जहाँ पे डॉक्यूमेंट वन और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड लिखा हुआ है, दिस इज टाइटल बार। टाइटल बार में क्या होता है? टाइटल बार में आपको उस वर्ड का नाम, टाइटल नज़र आता है, जो भी डॉक्यूमेंट आपने बनाया है उसका आपने जो भी टाइटल दिया होगा वो यहाँ नज़र आता है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपको चैप्टर 6 के नोट्स बना के दिए हैं और मैंने उसको सेव किया हुआ चैप्टर 6 है, तो टाइटल बार में यहाँ पे आएगा Chapter 6-Microsoft Word। ठीक है, यहाँ पे ये तीन बटन होते हैं, ये मिनिमाइज का होता है, ये रिस्टोर और मैक्सिमाइज का होता है, ये क्लोज का बटन होता है। यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क आपको नजर आ रहा है, दिस इज हेल्प बटन। ठीक है, ये जो पूरा का पूरा पोर्शन होता है, ये पूरा, ठीक है, ये क्या है? ये रिबन है। ठीक हो गया, ये रिबन होता है फुल। होम में आप जाते हो, होम टैब को आप अगर ये रिबन टैब्स हैं, जब आप होम रिबन टैब को क्लिक करोगे तो ये होम का सारा रिबन आ जाएगा। रिबन के अंदर फिर ग्रुप्स होते हैं। ठीक है, ग्रुप्स कौन कौन से? देखें, फॉन्ट का ग्रुप है, क्लिपबोर्ड का ग्रुप है, पैराग्राफ का है, स्टाइल्स का है। अब इसका मतलब क्या होता है? फॉन्ट का जो ग्रुप है, इसमें देखें जो भी आपको ऑप्शंस नज़र आ रहे हैं वो सारे के सारे फॉन्ट से रिलेटेड हैं। फॉन्ट को ब्लॉक में करना है, अगर उसको आपने टेढ़ा करना है, अंडरलाइन करना है, उसको आपने उसका साइज चेंज करना है, आपने उसकी उसकी राइटिंग चेंज करनी है, जो भी आपने उसका कलर चेंज करना है, हाईलाइट करना है, वो सारा का सारा फॉन्ट को आपने जो चेंजेस करने हैं वो फॉन्ट ग्रुप में है। पैराग्राफ ग्रुप में क्या है? पैराग्राफ ग्रुप में सारे के सारे पैराग्राफ के ऑप्शंस हैं, अगर आपने उसको जिस तरह से इंडेंटेशन करनी है, अगर आपने उसको उसमें लिखना है, क्या कहते हैं, नंबर्स में लिखना है, यानी 1, 2, 3 करके लिखना है, या डॉट्स करके आपने उसको ऑप्शंस लिखने हैं, तो इस तरह से आप इसके ज़रिए ये कर सकते हैं पैराग्राफ में। स्टाइल्स में क्या होता है? स्टाइल्स में फिर आपके पास डिफरेंट स्टाइल्स होते हैं। ठीक है, ये जो आपको नज़र आ रहा है, दिस इज़ रूलर, ये आपके पेज का रूलर है। जैसे कि आप लोग रूलर के ज़रिए क्या करते हैं, लाइंस लगाते हैं ना पेजेस पे, अपने पेजेस को वो करते हैं, मार्जिन्स लगाते हैं, इसी तरह से ये रूलर भी होता है, ये हमारे पेजेस के मार्जिन्स को सेट करता है, और ये एक ये हॉरिजॉन्टल रूलर होता है और ये वर्टिकल रूलर होता है। ठीक है, नीचे हमारे पास यहाँ पे एक स्टेटस बार होता है, और यहाँ पे जो भी हम कुछ कर रहे होते हैं यहाँ पे सारा स्टेटस आ रहा होता है। इसके अलावा ये हमारे पास व्यूज़ होते हैं, सारे के सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ व्यूज़ हैं, और ये जो बटन है ये हमारा जूम स्लाइडर होता है। ठीक है, अच्छा जी, ऑफिस बटन में क्या होता है? ऑफिस बटन इज अ टॉप लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द वर्ड विंडो। ऑफिस बटन बिल्कुल टॉप लेफ्ट पे होता है, जो मैंने आपको अभी बताया था, बड़ा सा गोल सा बटन होता है, जो कि आजकल के उसमें नहीं है, जो अपडेटेड ऑफिस है उसमें नहीं है, या अपडेटेड वर्ड में ऑफिस बटन नहीं होता। इट प्रोवाइड फास्टेस्ट एक्सेस टू फाइल्स एंड फ्रीक्वेंटली यूज कमांड सच एज क्रिएट अ न्यू डॉक्यूमेंट, ओपन एन एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट, सेव अ डॉक्यूमेंट, प्रिंट अ डॉक्यूमेंट, क्लोज अ डॉक्यूमेंट, क्लिक द ऑफिस बटन, अ मेन्यू अपीयर्स। ठीक है, मतलब ये है कि ये सारे के सारे जो ऑप्शंस हैं न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के, जो डॉक्यूमेंट है ऑलरेडी आपके पास उसको ओपन करने के लिए, डॉक्यूमेंट को सेव करना है, प्रिंट करना है, क्लोज करना है, तो ये सारा ऑफिस बटन से हो सकता है। सिंपली आप यहाँ पे वो जो ऑफिस बटन है उसको क्लिक करेंगे और आपके पास सारी की सारी मेन्यू आ जाती है। आपने प्रिंट करवाना है तो प्रिंट वाले ऑप्शन पे जाओगे, अगर सेव करना है तो सेव वाले ऑप्शन पे जाओगे। अच्छा, फिर है क्विक एक्सेस टूल बार। क्विक एक्सेस टूल बार में क्या होता है? क्विक एक्सेस टूल बार इज लोकेटेड नेक्स्ट टू द ऑफिस बटन। ये बिल्कुल ऑफिस बटन का जो यहाँ पे गोल सा बटन था उसके बिल्कुल नेक्स्ट पे था, जिसमें एक फ्लॉपी टाइप बटन था सेव के लिए, एक अंडू का था और एक रीडू का बटन था। इट होल्ड्स द कमांड्स विच आर यूज फ्रिक्वेंटली, और ये क्या करता है? उन कमांड्स को होल्ड करता है जो कि ज़्यादातर यूज होते हैं। कौन कौन से कमांड है? एक सेव का कमांड है, हम बहुत जल्दी जल्दी सेव करते हैं अपनी फाइल को, कि अगर लाइट चली जाए तो हमने जो चेंजेस किए हैं या जो फाइल हमने बनाई है तो वो डिलीट ना हो। अक्सर तो जो हमारे पास वो होता है, आजकल के जो वर्ड हैं उसमें इस तरह की एक उन्होंने एक फीचर ऐसा रखा हुआ है कि अगर लाइट चली भी जाए तो वो डिलीट नहीं होता, जबकि पहले ऐसा था कि अगर लाइट चली जाती थी जो भी आपने किया हुआ अगर आपने उसको सेव नहीं किया तो वो डिलीट हो जाता था, एंड इन द रिजल्ट आपको दोबारा लिखना पड़ता था।
उसके अलावा अंडू और रीडू का बटन है, जो कि अगर आपने कोई गलती कर दी है तो आप उसको सिंपली जल्दी से अंडू कर सकते हो दोबारा लिखने के बगैर, या अगर आपको पता नहीं कि आपने कहाँ पे कोई मिस्टेक कर दी तो आप अंडू के ज़रिए, अगर आपने एक पूरा सेंटेंस लिख लिया है और कहीं पर कर्सर था और आपने गलती से कीबोर्ड को प्रेस कर दिया, उसमें से दो तीन कीज़ आपने प्रेस कर दी, अब आपको नज़र नहीं आ रहा कि वो आपने कहाँ पर प्रेस किया, आप सिंपली अंडू करोगे वो खुद ब खुद ही जो आपने तीन कीज़ प्रेस की हैं वो रिमूव हो जाएंगी, ठीक है। उसके बाद रिबन है, रिबन इज़ अ पैनल बिलो द टाइटल बार, और टाइटल बार के नीचे जो आपके पास बटन होते हैं, होम का है, इंसर्ट, पेज लेआउट, वो सारे के सारे उसको रिबन कहा जाता है। इट प्रेजेंट्स कमांड्स ऑर्गेनाइज इनटू अ सेट ऑफ टैब्स कॉल्ड रिबन टैब्स, और ये क्या करता है, कमांड्स को प्रेजेंट करता है जिसको सेट ऑफ टैब्स में रखा हुआ है, जिसको रिबन टैब्स कहते हैं, मैंने अभी आपको बता दिया। अच्छा जी, वर्किंग विद वर्ड ribbon tabs, the ribbon is divided into seven tabs, each tab is a collection of several groups that show related items. ribbon tabs हमारे पास कितने होते हैं, seven tabs होते हैं ribbon tabs, और हर एक tab में फिर काफ़ी groups हैं, जैसे मैंने अभी आपको बता दिया ऊपर हमारे पास ribbon tabs थे कौन कौन से, home, insert, page, layout, references, और फिर हर एक ribbon tab के नीचे उसका एक अपना एक ribbon आता है, ठीक है, और उस रिबन में फिर डिफरेंट ग्रुप्स होते हैं। टैब इज़ अ कलेक्शन ऑफ सेवरल ग्रुप्स ऑफ रिलेटेड कमांड, और टैब क्या है, वो एक रिलेटेड कमांड के काफ़ी सेवरल ग्रुप्स हैं। ग्रुप्स शो सिमिलर कमांड्स टुगेदर, और ग्रुप क्या करते हैं, एक जैसे कमांड्स को एक साथ बताते हैं, जैसे कि फॉन्ट का ग्रुप है तो वो सारे के सारे वो कमांड बताएगा जो कि फॉन्ट में चेंज करता है, फॉन्ट को बोल्ड करता है, उसका साइज बड़ा करता है, उसका साइज छोटा करता है, वो सारे के सारे ग्रुप्स में आएंगे। डायलॉग बॉक्स लॉन्चर गिव्स एक्सेस टू एडिशनल कमांड्स, और डायलॉग बॉक्स लॉन्चर क्या करता है, वो एडिशनल कमांड्स को एक्सेस देता है। ये भी पहले डायलॉग बॉक्स होता था, डायलॉग बॉक्स क्या होता है, एक ऐसे छोटी सी विंडो ओपन हो जाती है ना, उसमें हम अपने चेंजेस करते हैं। अभी जो लेटेस्ट है उसमें डायलॉग बॉक्स नहीं ओपन होता, जबकि वो जो वर्ड है उसी के साथ साइट पे, यहाँ साइट पे एक छोटी सी विंडो आ जाती है, वहाँ पे ही हम सारे के सारे चेंजेस करते होते हैं। कमांड बटन्स आर यूज्ड टू इशू कमांड्स और टू एक्सेस मेन्यूज एंड डायलॉग बॉक्सेस, और कमांड बटन्स क्या करते हैं, ये कमांड्स को इशू करते हैं या फिर मेन्यूज जो डायलॉग बॉक्सेस में होती है उसको एक्सेस करते हैं, वही डायलॉग बॉक्सेस में जो बटन्स होते हैं उसको कमांड बटन्स कहते हैं। अच्छा जी, अभी हम थोड़ा सा वर्ड को देख लेते हैं जो हमारे पास है, ये देखें, ये मैंने एम एस वर्ड को ओपन किया, ये मेरे पास एम एस वर्ड ओपन हो गया, 2016 का एम एस वर्ड है, ठीक है। हम यहाँ पे ब्लैंक डॉक्यूमेंट पर क्लिक करेंगे, ये हमारे पास ब्लैंक डॉक्यूमेंट आ गया। अब यहाँ पे थोड़ा सा गौर से देखना है आपने कि यहाँ पे आपके पास क्या था, एक ऑफिस बटन, उन्होंने कहा था ऑफिस बटन नहीं होता, ऑफिस बटन के जगह पे यहाँ पे ये फाइल बटन होता है, इसको अगर आप क्लिक करते हैं देखें आपके पास डिफरेंट वो आते हैं, न्यू, ओपन, सेव, सेव एज, प्रिंट, शेयर, एक्सपोर्ट, ये सारे के सारे जो ऑप्शंस वहाँ पे थे ना ऑफिस बटन में, उसके जरिए उसकी जगह यहाँ पे फाइल में ये ऑप्शंस होते हैं, ठीक है। और जो क्विक एक्सेस टूल बार है वो उसी तरह से है, ये देखिए यहाँ पे सेव का बटन है, अंडू का है, रीडू का बटन है, ठीक हो गया। ये जो सारे आपको बटन नज़र आ रहे हैं, होम है, इंसर्ट, डिज़ाइन, लेआउट, रेफरेंसेस, मेलिंग, ये सारे के सारे हमारे पास रिबन टैब्स हैं, और जिस भी रिबन टैब को अगर आप क्लिक कर रहे हो तो आप देख रहे हो ये जो नीचे का पोर्शन है ये साथ साथ चेंज हो रहा है, ये देखें, होम के लिए चेंज, इंसर्ट के लिए चेंज, डिज़ाइन के लिए चेंज, लेआउट के लिए चेंज, ये सारे चेंज हो रहे हैं। ये हमारे पास क्या है, ये रिबन है इसका, दिस इज़ द रिबन टैब एंड दिस इज़ द रिबन, ठीक है। होम में अगर जाते हैं तो यहाँ पे हमें सारा का सारा जो राइटिंग के हवाले से है, पैराग्राफ के हवाले से चेंजेस कर सकते हैं हम। यहाँ पे देखें क्लिपबोर्ड है जिसमें कट, कॉपी, पेस्ट है, फॉन्ट है, और यहाँ पे देखें अगर हम इसका ये डायलॉग बॉक्स वो करते हैं ना, ये देखें हमारे पास ये डायलॉग बॉक्सेस भी आ जाते हैं, ठीक है। दिस इज़ द डायलॉग बॉक्स, इसको डायलॉग बॉक्स कहते हैं कि जब हम किसी चीज़ को क्लिक करते हैं तो हमारे पास एक डायलॉग बॉक्स आ जाता है। अच्छा, ये फॉन्ट ग्रुप है, फॉन्ट ग्रुप में देखें ये आपके पास सारे के सारे जो वो है ऑप्शंस हैं वो सारे के सारे फॉन्ट के हैं। ये पैराग्राफ ग्रुप है, यहाँ पे सारे के सारे ऑप्शंस पैराग्राफ के हैं। ये स्टाइल ग्रुप है, ये सारे के सारे ऑप्शंस स्टाइल के हैं। ये एडिटिंग ग्रुप है, सारे के सारे ऑप्शंस एडिटिंग के हैं। इंसर्ट में अगर जाएं तो ये सारे के सारे हमारे पास जो भी हमारे पास ग्रुप्स थे फॉन्ट के, पैराग्राफ के, ये हमारी राइटिंग को चेंज करें, राइटिंग के स्टाइल को, उसके साइज को, उसके पैराग्राफ के इंडेंटेशन को, कलर को, ये चेंज करें। इंसर्ट में अगर हम जाते हैं तो यहाँ पर देखें हमारे पास अब डिफरेंट टैब्स आ गए हैं, सॉरी डिफरेंट रिबन आ गया है। अब इस रिबन में जो भी आपको ऑप्शंस नज़र आ रहे हैं, इंसर्ट का मतलब डालना, एक चीज़ को एक डॉक्यूमेंट में डालने को यहाँ पे इंसर्ट कहा जाता है। अब यहाँ पे जो भी ऑप्शन आपको नज़र आएंगे, चाहे वो जिस भी ग्रुप के हैं, लेकिन वो यहाँ पे उस ऑप्शन को डालता है, इंसर्ट करता है। जैसे कि यहाँ पे देखें इंसर्ट टेबल है, टेबल को डालना है, ठीक है। इंसर्ट पिक्चर है, यहाँ पे पिक्चर को इंसर्ट करेगा,
ठीक है, यहाँ पे पिक्चर्स को अगर क्लिक करेंगे तो ये पिक्चर्स को इंसर्ट करेगा, शेप्स अगर करेंगे तो ये शेप को इंसर्ट करेगा, देखें शेप को इंसर्ट कर रहा है। इसी तरह से अगर आप लोग चार्ट को इंसर्ट करें तो यहाँ पे देखें ये चार्ट को अगर हम ओके कर दें, चार्ट को इंसर्ट करें यानी कि यहाँ पे उसको डाल रहा है, ठीक है। इसी तरह से अगर आप इंसर्ट में जाके, इंसर्ट में जाके यहाँ पे पेज नंबर को देखेंगे तो ये पेज नंबर को इंसर्ट करेगा, यहाँ पे पेज नंबर को डाल देगा। ये देखें इंसर्ट किया हमने, ये हमारे पास देखें पेज नंबर उसने यहाँ पे इंसर्ट कर दिया या पेज नंबर डाल दिया। सो ये इंसर्ट हर एक ऑप्शन, वो जो रिबन टैब है उसके डिफरेंट ऑप्शंस हैं जो कि हमने क्या कर लिए, अभी देख लिए। इसके अलावा क्या था यहाँ पे, बस यही है। फिर आगे हमने जो वो करने हैं नीचे हमारे पास जो बटन से डिस्प्ले चेंज करने के, वो ये है हमारे पास, ये हमारे पास जूम स्लाइडर है, देखें ये पेज को जूम करता है और इसको जूम आउट करता है, ठीक हो गया। यही हमारे पास सारे बटन्स थे। ये जो हमारे पास है ऊपर, ये हमारे पास ये रूलर्स हैं हॉरिजॉन्टल, और ये वाले जो हैं ये वर्टिकल रूलर्स हैं, ठीक है। सो ये हमारा प्रैक्टिकल हो गया, ये हमारा वर्ड 2016 है जिसमें हमने सारे के सारे जो जो भी हम पढ़ेंगे वो सारी एडिटिंग हम यहाँ पे इंशाल्लाह करेंगे। विद दिस वी हैव कम टू द एंड ऑफ आवर लेक्चर एंड आवर प्रैक्टिकल। इसको प्रैक्टिस करें, हर एक टॉपिक को देखें, अगर कोई जगह पे समझ नहीं आया तो ज़रूर पूछें, क्वेश्चन करें। एंड सी इन द नेक्स्ट लेक्चर, टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।